हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आर के वाई ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। और देखिए घर में आज क्या चल रहा है। आज घर में सास बहू का कंपटीशन चल रहा है। सास अपना रिक्वेस्ट बना रही हैं और गायत्री मेहंदी लगा रही है। तो देखते हैं, दोनों लोग अपना अपना खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं किसका अच्छा होता है, उनका रिक्वेस्ट अच्छा बनता है या मेहंदी अच्छा लगता है। चलिए गायत्री देख रही है मेहंदी लगा रहे हैं, उसका दिखाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे मम्मी कैसे रिक्वेस्ट बना रही हैं। देखिए मेहंदी लगा रही है। देखिए गाइस, मैं अपने से लगा रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी। तो गाइस आपने मेहंदी देख लिया है, अब चलते हैं मम्मी की तरफ, देखते हैं उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। चलिए, ये मैं अरुई के पत्ता का रिकवर बना रही हूँ। पत्ता के काट के लाई हूँ, उसको धोई हूँ बढ़िया से, और उसको ये बेसन लगाई हो, चावल भिजाई हो, उसको चावल भिजाई के सब पीसी हो मशीन में, पीस के उसमें लहसुन मिर्चा गरम मसाला सब दे के सान रही हूँ। उसको लपेटेंगे, लपेट के गरम पानी बैठाए हैं, गरम पानी उसको उबाल करेंगे, उबाल करके हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, उसको पीस पीस काट लेंगे, काट के फिर तवा में तेल ला के उसको तारेंगे, कड़ा सा तारेंगे तो तब उसको खाएंगे। ये मैं लपेट रहे हो, इसको लपेट के भी बनता है, काट के भी बनता है, पाता छोटा छोटा था उसी से मैं काट दी हूँ, नहीं तो उसको बेसन में लपेट के भी बनता है। अब ले जा रहा हूँ उबाल करने के लिए, ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके आके एक एक पत्ता लगा के लपेट लीजिए, लपेटने के बाद पत्ता लगा के उसको गर्म पानी मिला दीजिए, लपेट दिया उसको गर्म पानी में लाने जा रहे हैं, हो जाएगा उबाल तब इसको काटेंगे, काटेंगे तब। क्या हुआ कीर्ति, अरुई के पत्ता से खजवा रहा है? कहाँ खजवा रहा है, देखो क्या हो गया हाथ में, हाथ छेद हो गया, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, हाथ में क्या हुआ है, हाथ में छेद हो गया, और उंगली छोटा हो गया, अरे उंगली छोटा हो गया, आत्मा में छेद हो गया इसके यार, और भी के पत्ता का दादी जो रिक्वेस्ट बना रही है उसी से हुआ है, और अब क्या करना पड़ेगा, दवाई लाना पड़ेगा, उंगली छोटा हो गया और क्या हुआ, छेद भी हो गया, अरे मेरा लाल लाल खून नहीं बह रहा है, छेद भी हो गया, खून भी नहीं बह रहा है, अच्छा कैसे, लड्डू लाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तब नहीं दर्द करेगा, अच्छा लड्डू चाहिए बाबू को, लड्डू से ठीक हो जाता है, अच्छा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं, लड्डू से ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक है, कौन सा लड्डू खाना है, मीठा वाला लड्डू, अच्छा लड्डू खाएंगे तो, लड्डू खाएंगे तो उंगली सही हो जाएगा, अच्छा जो छेद हुआ है वो भी सही हो जाएगा, अच्छा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ मीठा वाला लड्डू लेके आ रहा हूँ। उबाल हो गया, अब इसको जा रहे हैं पीस पीस काटेंगे, काट के तब इसके तेल ला के तवा में तलेंगे, देखिए काट रही है, कटा गया, इसके भूंज के
और गरम गरम चाय बना के खाइएगा, कितना मजा आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किचन में क्या कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया ही था कि गायत्री मेहंदी लगा रही है और मम्मी अपने स्टाइल में रिक्वेस्ट बना रही थी, तो चाय कौन बनाएगा, मैं सोचा मैं ही चाय बना देता हूँ आज। ये देखिए चाय मेरा उबल रहा है, थोड़ा सा हम इसमें अदरक डाल देते हैं, थोड़ा सा मैंने अदरक कूट लिया है, अब इसको चाय में डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं पका के कैसा मेरा चाय बन रहा है। बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, ठीक है गाइस, तो अगर कुछ खराब हो जाए तो घर वाले मुझे झेल लेना। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो देखते हैं चाय कैसा बनता है, और रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे रखा ही है, बहुत अच्छा फ्राई लग देख के लग रहा है, आपको भी मन कर रहा होगा खाने का। तो गाइस देखिए चाय मेरा बन के रेडी है और रिक्वेस्ट भी रेडी है, तो हम लोग इसका मजा लेते हैं, और आपको भी अपने घर में बनाना होगा तो ट्राई कर सकते हैं जैसा मम्मी ने बताया है। और तो ठीक है, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और हाँ कल तीज भी है, तो तीज की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, तो आप भी कमेंट में बताइएगा किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया अपने घर में, और मैं भी कल का ब्लॉग अच्छे से बना के फिर आपको दिखाऊँगा हम लोगों ने तीज में कितना मस्ती किया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।